यूक्रेन के डोनास्क प्रांत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लादोदंते गांव पर रूसी सेना के कब्जे का दावा किया गया है। यह दावा रूसी सेना के साथ लड़ रहे रूस के गैर सरकारी सशस्त्र संगठन वैगनर ग्रुप ने किया है। डोनेस्क के सोलेदा शहर पर भी कब्जे का पहला दावा वैगनर ग्रुप ने ही किया था, जो बाद में रूसी सेना के नियंत्रण में आ गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फैशन शो के आयोजन स्थल के पास आज शनिवार को एक शक्तिशाली विस्फोटक हुआ, जिसमें एक्ट्रेस सनी लियोनी रविवार को शामिल होने वाली थी। धमाका कार्यक्रम स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर शनिवार सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ। पुलिस ने कहा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मुंबई में शनिवार को फायर ब्रिगेड भर्ती के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान महिला अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। महिला अभ्यर्थियों ने भर्ती के दौरान धांधली का आरोप लगाया। लड़कियों ने कई आरोप लगाते हुए भर्ती रद्द की मांग की है। मुंबई में फायरमैन भर्ती 2023 की वॉक इन के जरिए सिलेक्शन किया जाना था। दिल्ली की एक कोर्ट ने सर्जिल इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को 2019 के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि सर्जिल को अभी भी जेल में ही रहना होगा। वह दिल्ली दंगों के कॉन्स्पिरेसी केस में भी आरोपी हैं। उसके खिलाफ कई और FIR भी दर्ज है। वहीं तन्हा जमान पर जेल से बाहर है। उत्तराखंड के जोशीमठ जैसी आपदा जम्मू कश्मीर में आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई हैं। सूचना मिलने पर पहुंची थरथरी के SDM ने बताया कि आपदा पीड़ितों की सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। घटना के कारणों की जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुँच गई है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 99 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 245 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67.7 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। चिली में समर हीटवेव के चलते कई जंगलों में आग लग गई। आग से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 14,000 हेक्टेयर का इलाका जल गया। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी सेंटियागो से करीब 500 किलोमीटर दूर संता जुआन शहर में एक फायर फाइटर सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। गौतम अडानी मामले पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियामक अपना काम कर रहे हैं। सेबी को सरकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया है ताकि वो इस मामले में सही से जांच कर सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों और LIC ने RBI को अडानी समूह को लेकर अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। आज हुई PC में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 53,250 रुपये है। बीते दिन 53,750 भाव था, यानी दाम कम हुए हैं। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम आज 58,080 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 58,610 रुपये था।